बच्चों कैसे हो आप। होप सभी ठीक हो गए। बच्चों आज की इस वीडियो में जानेंगे भाई क्या करने वाले हैं। बीकॉम वाले तैयार हो? बिल्कुल बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट जी जान लगा के तब तैयार हो जाओ भाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो आपके पेपर में आने वाला है और जो पिछले 5 सालों से आ रहा है। ठीक है, शुरू करें। अब देखो बच्चों, पैटर्न पता है, 10 लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, 5 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, डिटेल्ड पढ़ाई के लिए, मतलब आप चाहते हो कि हर टॉपिक के सॉल्व आंसर, जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ कराने वाला हूँ, चाहते हो इसका पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाए, तो इसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा मोबाइल ऐप एलयू अपडेट, और बीकॉम एनईपी फर्स्ट सेमेस्टर के बैच एनरोल करोगे तो वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला सवाल बच्चों का ये था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बताइए कुछ ऐसा जो हमारे एग्जाम में आ जाए। तो बच्चों चलते हैं पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक बार। ठीक है, चलिए लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हम आ जाते हैं और यहाँ से डाउनलोड करते हैं आपका सिलेबस। ठीक है, कॉमर्स, और कॉमर्स में गए और यहाँ पे हम लेके आए भाई कोर्स आउटलाइन में गए बीकॉम एनईपी 2024-25 का सिलेबस। ठीक है, पहला पेपर हमने बच्चों अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्कस कर लिया है, इसमें 10 क्वेश्चन बता दिया, इसमें से जो आएंगे वो पूरे वही सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज दूसरे पेपर में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करेंगे और इसमें भी हम लगभग आपको 10 लॉन्ग क्वेश्चन बता देंगे, जिसमें से कम 5-7 पेपर में आपके छप ही जाएं। ठीक है, बाकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, नोट कर लीजिएगा या सिलेबस में ही मार्क कर लीजिएगा, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से। ठीक है, तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम पहला पेपर हो चुका है, दूसरा लेके आ रहे हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा है, पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग था और दूसरा में इन्होंने क्या दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स दिया पेपर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से, लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, तो आपको इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा ना, सबसे पहला क्वेश्चन, ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। ठीक है, ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, ये सवाल बच्चों आता ही आता है। ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस यूनिट का जो सवाल है ये आता ही आता है, और दूसरा सवाल जो आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये 2 सवाल आपके यहाँ से बन जाएंगे बच्चों। ठीक है, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, और इसके फैक्टर पूछेगा कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ठीक है, जो ऑप्टिमम साइज यूनिट को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल होगा कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको कहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, और इसमें ये एक्सप्लेन करें किसी का रिलेशन, इम्प्लॉई कस्टमर से इम्प्लॉई का रिलेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद से कंपनी और एम्प्लॉयर का रिलेशन क्या होना चाहिए, तो किसी को रिलेशन को लेके 2 सवाल इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद से तीसरे सवाल की बात करें तो देखो ये यहाँ से एक क्वेश्चन तय है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन सेम आ जाएंगे, बता रहा हूँ ध्यान से नोट कर लो, यही सवाल आते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देख लेते हैं, दूसरे यूनिट पे आ जाओ। दूसरे यूनिट में देखो इसमें ज़्यादा मशक्कत नहीं, और ये ऐसा सब्जेक्ट है इसमें खूब नंबर मिलता है। ठीक है, जी भर के नंबर मिलता है, जितना नंबर तुम उठा लो, बस अच्छे से लिख के आना, इसमें जितना भर के आओगे उतना नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अरे भाई सही से आ जाओ। ठीक है, चलो सेकेंड यूनिट बच्चों, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप, वही 12th वाला, ठीक है, हिंदी में एकल व्यवसाय। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप किसको कहते हैं। ठीक है,
और पार्टनरशिप और सोल प्रोपराइटरशिप में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, या पार्टनरशिप किसे कहते हैं या सोल प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप, इस तरीके के ये डिफरेंस करके यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पहला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा सोल प्रोपराइटरशिप किसे कहते हैं और पार्टनरशिप और सोल प्रोपराइटरशिप में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ध्यान से देख लिया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, सोल प्रोपराइटरशिप किसे कहते हैं और पार्टनरशिप और सोल प्रोपराइटरशिप में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और वन पर्सन कंपनी आजकल बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है बच्चों, ठीक है। तो ओपीसी आपका 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है वन पर्सन कंपनी के बारे में लिखने के लिए, इसके फीचर को लिखने के बारे में, ठीक है। तो ये चीजें आपको दो क्वेश्चन ये कंफर्म है, यहां से दो क्वेश्चन आपके आने ही वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद से या तो आप एक काम कर, देखो सोल प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप पे डिफरेंस पूछ देते हैं या पार्टनरशिप या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी के बारे में डिफरेंस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वन पर्सन कंपनी 7.5 नंबर में आता है और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, ठीक है। तो 7.5 नंबर वाले ये दो क्वेश्चन बनते हैं और एक का पूरा मीनिंग के साथ डिफरेंस पूछ लिया जाता है यहां से दूसरे यूनिट से, बस इतना ही क्वेश्चन आता है बच्चों आपके एग्जाम में, ठीक है। रेडी हो, दो चार क्वेश्चन मतलब कंफर्म है आपको, ठीक है, चारों तैयार कर लोगे, ठीक है। अगर इतना तैयार कर लिया तो 15 चौक 60 नंबर कंफर्म हो गया। अब 60 में मास्टर जी कितना भी देंगे तभी तुमको कम से 55 नंबर देंगे। अगर हम लोग के सॉल्व क्वेश्चन से ये आंसर पढ़ के जाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट में सॉल्व होगा, सॉल्व में पढ़ के जाओगे तो मत पूछो, 52, 53, 55 तो देना ही देना है उनको, ठीक है। अब उसके बाद से एक सवाल और पूछते हैं, ठीक है, यहां पे ये चीजें हो गई, ठीक है, दूसरा यूनिट जान लिया। अब तीसरे यूनिट पे आ जाओ, ठीक है, तीसरे यूनिट में कुछ ज्यादा नहीं पूछा है। तीसरे यूनिट में देखो बच्चों, तीसरे यूनिट में देखो हर बार की तरह इस बार भी आपसे पूछा जाएगा कि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, अगर ये देखा जाए आपका यहाँ पे पड़ता है, देखो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, ठीक है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इसमें आपको या तो देखो इसके टाइप्स हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वेरिएबल, इस तरीके के टाइप्स को लेके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और उसके बाद से आपको ये सवाल आता ही आता है, मतलब ये आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। और यहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में भी एक सवाल आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टॉक मार्केट, और इसके बाद से ये भी पूछते हैं इसमें स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और इनके कौन कौन से फंक्शन हैं, ठीक है। ये दूसरा सवाल, पहला सवाल बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, दूसरा सवाल स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये कौन कौन से फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद से रेम्यूनरेशन के मेथड के बारे में, देखो रेम्यूनरेशन के मेथड रेशनलाइजेशन ये आता है, रेशनलाइजेशन और ऑटोमेशन, ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन आता है बेसिकली, ठीक है। और रेम्यूनरेशन के मेथड, ठीक है, ये कह नहीं सकते 80% कन्फर्म होता है कि यहाँ से सवाल आए, लेकिन रेम्यूनरेशन वाला थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन कॉम्बिनेशन और स्टॉक मार्केट 100% आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से चौथा, जो चौथे यूनिट से जो सवाल है बच्चों, चौथे यूनिट से जो सवाल आता है बच्चों, डिपार्टमेंटेशन किसे कहते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटेशन किसे कहते हैं, और इसमें एक सवाल और बनता है, ठीक है, डिपार्टमेंटेशन को लेके और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, डिपार्टमेंटेशन और डिपार्टमेंटेशन के टाइप्स ऐसे पूछ लेते हैं ये लोग, ठीक है। और बिजनेस कॉम्बिनेशन आपको बता दिया, डिपार्टमेंटेशन, और ये दो सवाल इसमें से बनते ही हैं, बनते हैं, मतलब 15 नंबर का डिपार्टमेंटेशन से एक सवाल मिलेगा और एक में आपको ऑर्गेनाइजेशनल के प्रोसेस लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है, ये प्रोसेस लिखने के लिए आ जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं आते हैं, प्रोसेस लिखने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है, डिपार्टमेंटेशन का 15 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और ये 7.5 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और दो क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, देखो दो शॉर्ट्स में और क्वेश्चन आ जाएंगे आपके,
ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा? एक भाई बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, 7.5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बना देंगे ये चाहेंगे तो, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है और ई कॉमर्स और ई बिजनेस में डिफरेंस करके पूछ लेते हैं, ठीक है। होपफुली मैंने इस वीडियो में आपको जितना आपके पेपर में आने वाला था वो सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस कर लिया है आपसे। अगर आप इस क्वेश्चन के पूरे सोल्यूशन चाहते हो, ठीक है, चाहते हो कि हमें पूरा सोल्यूशन मिल जाए इस पूरे क्वेश्चन का, तो बच्चों देखो आप एलयू अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने का बीकॉम एनईपी का जो कोर्स है इसमें आओगे, ठीक है। कोर्स में आने के बाद यहाँ से कंटेंट बटन पे जैसे क्लिक करोगे, आपके ऐप में कंटेंट बटन सीधा पैसा, ठीक है, कंटेंट बटन जैसे क्लिक करोगे नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसके सारे सोल्यूशन के साथ मैंने इसको अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से पढ़ लेना, ठीक है। 100% ये एक ऐसा पेपर है जहां सबकी बल्ले बल्ले हो जाती है, ठीक है। इंटरनल में 20 नंबर मिल जाते हैं और एक्सटर्नल में 75 में कम से कम 65-65 नंबर, तो आराम से 60-65 नंबर लेके आओगे अगर इतने क्वेश्चन जितना मैंने बताया तैयार कर लिया। यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बीकॉम एनईपी इंग्लिश मीडियम का है, नीचे हिंदी मीडियम का है, तो इसमें सारे वीडियो क्लास अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। और यहाँ पे जैसे ही बीकॉम एनईपी फर्स्ट इंग्लिश वाला क्लिक करोगे आप, ठीक है, तो ये सारे वीडियो क्लास के साथ अवेलेबल है, ठीक है। देखो ये सभी सब्जेक्ट के वीडियो क्लास यहाँ अवेलेबल है, और उसके बाद से अपडेटेड नोट्स अवेलेबल हैं, और उसके बाद से इन्होंने PYQs अवेलेबल हैं, फिर बूस्टर सीरीज अवेलेबल है जो यूनिट वाइज होता है, ठीक है। और यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी मिल जाएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यहाँ टीचर ने पूरा सॉल्व करके बताया है, एक एक घंटे का वीडियो सॉल्यूशन है सबका, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट CBE सॉल्व सब सॉल्व मिल जाएगा, मतलब आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं बच्चों, तो आप वहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हो। होपफुली मेरा ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों को बता दीजिए कि चिंता छोड़ दो, अगर बीकॉम एनईपी फोर्थ सेमेस्टर में हो आपके इस बार 70-75% तो आएंगे ही आएंगे, मैं जितना कह रहा हूँ बस इतना ही क्वेश्चन तैयार कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन तो आते हैं बट जितना बताया उतना 100% आपके एग्जाम में आने वाला है बच्चों। होपफुली ये वीडियो पसंद आएगा, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।